हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त यूनिक एफएफ गेमर। तो आज हम बात करने वाले कि आप अपने पुराने से पुराने पीसी में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं गेमिंग को। मतलब है यार, इसमें हर प्रकार की गेमिंग आती है। इम्यूलेटर वाले अपना फ्री फायर जो इम्यूलेटर प्ले करते हैं वो, और अपना ये जो मैं अभी खेल रहा हूँ पीसी गेम, तो इन पर आप ज़रूर ट्राई करना। ये टिप्स, ये बेसिक टिप्स है अभी के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको एडवांस टिप चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो ज़रूर करना बात भाई हमसे, हम यही बैठे हैं। कमेंट इसी के लिए है गाइस। हाँ भाई, तो कमेंट तो इसी के लिए भाई। तो भाई आप प्लीज़ ये मत बोलना कि नागेश भाई ये करो, नागेश भाई वो करो, भाई ऐसा कुछ भी मत करना गाइस प्लीज़। मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये बंदे यार मुझे भाई टिप्स नहीं देते कि वीडियो कैसे इम्प्रूव करना है, बस बोलते हैं भाई ये बता दे यार। अरे प्लीज़ गाइस ऐसा मत कीजिए, मुझे बस बताइए। आपको ये भी बता सकते हैं कि आप अपना मतलब नेक्स्ट वीडियो किस कॉन्सेप्ट, मतलब किस टॉपिक पर बनाना है। टेक्नोलॉजिकल वीडियो में बात कर रहा हूँ, आप यहाँ तक मतलब इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, सिवाय मेरे अकाउंट नंबर और पासवर्ड के, कोर्स में वो नहीं दे सकता है। तो गाइस ये तो हो गया इंट्रो, तो शुरू करते हैं। अरे इंट्रो एक और है यार, अरे मार मत भाई, अरे इंट्रो तो देने दे। सो गाइस हम लोग आ गए अपने मेन विंडो पर। मैं स्ट्रीम लैब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इधर देख ही सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, तो गाइस आपके भाई टास्क मैनेजर। तो आप शायद नहीं जानते कि टास्क मैनेजर क्या है। टास्क मैनेजर एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो इनबिल्ट होता है आपके पीसी में, और आपको बताता है कि आपके पीसी में कौन सा प्रोग्राम रन करता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आपको बस अपना टास्क जो है वही अपना टास्क बार जो है इस पर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर आएगा। ये विंडोज 10 का 7 में भी यही चीज़ होगा, अब जब कन्फ्यूज मत होना। तो ये टास्क मैनेजर मैंने खोल दिया। तो टास्क मैनेजर मुझे अभी दिखाएगा कि मेरे पीसी में अभी कौन कौन से प्रोग्राम रन कर रहा है। तो अभी ये मेरा पीसी का यूटिलाइजेशन है 32%, मेरा CPU यूज है, मेमोरी 70% है, डिस्क 9% है, और मेरा GPU मतलब ग्राफिक कार्ड्स का यूसेज है इतना। तो आपको इसे करना क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको इसे करना ये नहीं कि यार मतलब भाई समझ लो आप टास्क मैनेजर थोड़ा बहुत यूज करते हो, और अगर आप ये देख लो, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ये ऐप्स हैं ये, और ये बैकग्राउंड के प्रोसेसेस हैं। विंडोज 7 में भी यही चीज़ होगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो गाइस। तो मैं जब इसको नीचे लूँगा, मुझे पहले ऐसा कर लेना चाहिए था, पहला वीडियो गाइस मैं नर्वस हूँ सॉरी। आपको विंडोज प्रोसेसर जो है इधर दिख रही है ना गाइस, इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप एक कंप्यूटर आपने इसमें इंस्टॉल करते हो, मतलब आप नया कंप्यूटर लेते हो, बाय करते हो और शुरू करते हो, तो इसमें एक ये खुल जाता है यूजर्स। तो यूजर में आपका पीयूष, यानी मैं नागेश नहीं हूँ सॉरी, मैं उसका छोटा भाई शिव, अगर बंदे नहीं जानते मुझे कन्फ्यूज ना हो गाइस। तो ये मेरा यूजर है, तो ये अपने आप खुल जाता है जब मैं मेरा पीसी लैपटॉप जो भी है मैं खोलता हूँ, तब मैं ये जेन्युइनली जब आप मतलब प्रोसेसर चलाते, मतलब जब आप पीसी चलाते हो तो ये प्रोसेसर अपने आप आ जाते हैं। आप देख सकते हो विंडो प्रोसेसर के नीचे वाली प्रोसेस के आपसे आपको कतई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर आप करोगे तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो अगर पर आप ऐप्स के साथ जरूर कर सकते हो छेड़छाड़ नहीं, मतलब आप बंद तो कर सकते हो, क्योंकि भाई जब आप गेम खेलते हो, और अगर आप क्रोम का ये यूज करते हो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब मैंने क्रोम खोला तो आप मेरा टास्क मैनेजर का यूसेज देखना कितना होता है, पूरा फुल हो जाएगा यार। देख लो क्रोम 10 कितना ज़्यादा यूसेज हो रहा है मेरा पीसी, 100% CPU यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने बस क्रोम खोला है, क्रोम में मैंने नोटिफिकेशन ऑन किए। जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते हो तो यूसेज बहुत ज़्यादा होता है। मैंने बंद कर दिया
पता नहीं मेरा सिस्टम भाई इतना सह पाएगा या नहीं, मेरे ग्राफिक कार्ड पर बहुत जोर हो रहा है इसलिए मैंने क्रोम बंद कर दिया। आप देख देख सकते हो कि यार कितना जोर पड़ता है आपके पीसी पर जब आप कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में यूज करते हो। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा है, वरना ज़्यादातर इतना यूसेज कभी होता नहीं जब मैं गेमिंग करता हूँ, क्योंकि मैं इतने हाई गेम्स भी नहीं कर रहा भाई। आप ये भी मन में रख लो जब आप इम्यूलेटर खेलते हो तब भी आपको ऐसे प्रोसेसर बंद करने। अब मैं दिखाता हूँ गाइज ये कोर्टोना है, ये एकदम घटिया है असिस्टेंस, ये कुछ भी काम नहीं करता, बस आपका स्टोरेज खाएगा, तो इसको एंड करता है। ऐसी बैकग्राउंड प्रोसेसर आपको बंद करते है कर देनी है ताकि आपका पीसी सांस ले सके। आप एग्जांपल ले लो, आप हाथ लो अपने मुंह पर रखो, आप सांस ले पाओगे नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है। अगर आप सारा जोर सीपीयू पे दोगे तो गर्म होगा, हैंग होगा, लैग होगा, कई कुछ बहुत प्रॉब्लम्स होती है अगर आप ऐसे प्रोसेसर बैकग्राउंड में रखते हो। देखो मेरे भी इसमें कितनी बेफालतू की चीज़ें बैकग्राउंड में अभी तक पड़ी हुई है। तो ये तो हो गया टास्क मैनेजर। सेकेंड टिप्स क्या है, आपको अपना ड्राइवर्स ज़रूर अपडेट रखना। आप बस इधर माइक्रो कंप्यूटर पर राइट क्लिक मारो और प्रॉपर्टीज पर जाओ। मेरा अरे नहीं यार लॉल हो गया, अरे कहाँ से जाते हैं कहाँ से, अरे प्रॉपर्टीज में तो जाते हैं भाई। कट कट करो, कट करो ये पार्ट। तो आप जाओ अपने मूवी कंप्यूटर में, हाँ ओके गाइज हम आ गए हैं अपने माय कंप्यूटर में। मैं थोड़ा नशा करके कर रहा हूँ वीडियो, तो आप मेरा देख सकते हो इतना खास नहीं है, बस मेरी रैम 4 GB है। तो गाइज आप देख सकते हो इधर ज़्यादातर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, मैंने अभी कर रखा है। एक सॉफ्टवेयर है डायरेक्ट एक्स करके, ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये आपके बहुत मदद करेगा मॉडर्न डे ग्राफिक्स के आपकी गेम को मैच करने के लिए। ज़्यादातर लो एंड गेम को भी ये सॉफ्टवेयर लगता है गाइज, तो कृपया करके इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जो आपको मदद करेंगे अपनी हाई एंड से हाई एंड गेम चलाने के लिए। तो गाइज आज के बेसिक टिप्स का वीडियो हम यही क्लोज करते हैं। मेरा दिमाग अब बुझ चुका है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तो गाइज यही वीडियो कट करते हैं, बाय बाय, सी यू। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप कि अगली बार मैं आपको शायद मेरे मन में टॉपिक आया कि मैं आपको क्लीन कैसे रखे अपने डिवाइसेस को, वह बेसिक से टिप्स बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो का एडवांस भी चाहिए तो मैं जरूर दूंगा गाइज आपको। तो अभी के लिए शुक्रिया, था बाय बाय। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछना। बाय बाय गाइज। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.